Hi, this is Rohit Purohit and you're watching me on E-Times. Abeera ke saath obviously bahut hi achhi chemistry aa rahi hai because she is a wonderful actor. Bahut acche acche concepts kiye but wo logo tak pahunch nahi paaye. But ye pichle 20 din mein jitna pyar mujhe logon se mila hai wo उस प्यार के लिए एक्चुअली मैं तरस रहा था इतने टाइम से. सच बोलूँ तो नहीं, मेरे पे कंपैरिजन टू बी ऑनेस्ट कभी प्रेशर नहीं डालती क्योंकि मैं ऐसे बहुत मैंने सारे शोज़ किए हैं जहाँ पे कहीं पे मैं विलन हूँ और कहीं पे मैं एंटी हीरो हूँ, कहीं पे 2-3 हीरो हैं. और तो मुझे हमेशा से रहा कि मेरी ऑडियंस मुझे अपनी तरह से पसंद कर ही लेती है और एक सॉफ्ट कॉर्नर ऑडियंस का मेरे लिए रहता है. कैरेक्टर इतना अच्छा है कि जहाँ पर वो अपनी वाइफ के लिए भी स्टैंड ले रहा है, माँ से भी प्यार करता है, छोटे भाई बहनों से भी प्यार करता है. सो आई थिंक इट्स अ ड्रीम कैरेक्टर. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स. आई एम विजय तिवारी एंड टुडे आई हैव विद मी द वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी टैलेंटेड रोहित पुरोहित. वेलकम टू ई टाइम्स रोहित. थैंक यू सो मच. और अभी आप इनको देख रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है. ऑलरेडी इन्होंने जो प्यार मिल रहा है इट इज़ इनक्रेडिबल. इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा अच्छा काम किया, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट किए बट वो लोगों तक पहुँच नहीं पाए. बट ये पिछले 20 दिन में जितना प्यार मुझे लोगों से मिला है वो उस प्यार के लिए एक्चुअली मैं तरस रहा था इतने टाइम से. सच बोलूँ तो क्योंकि कितना भी हम कहें कि यार हमको सिर्फ अच्छा काम करना है बट जब तक आपका काम लोगों तक नहीं पहुंचता और एक एक्टर को जब तक अप्रिसिएशन नहीं मिलती तब तक वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खलिश दिमाग में मन में रह जाती है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि देर आए दुरुस्त आए एंड राजन सर ने और स्टार ने मेरे पर ट्रस्ट किया और मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो लोगों तक पहुँच रहा है और उस वजह से लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यार दे रहे हैं. ये कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना एक डबल एज्ड स्वॉर्ड था क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ हुआ था सिचुएशंस उनकी ऑलरेडी एक सेट ऑफ फैन बेस बन चुका था और ऑब्वियसली बात है ऐसी सिचुएशन बनी थी कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी आपकी तरफ आ सकती थी. यू नो व्हाट मेड यू go all out and accept that challenge ki okay I will step into this character. initially to aapko nahi pata tha lekin jab aapko pata chala uske baad mere dimag mein ek bar bhi second thought nahi aaya to be honest kyunki जब मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ और मैंने देखा कि मैंने हर तरह के रोल किए, मैंने आउट एंड आउट नेगेटिव भी किया है, ग्रे शेड्स भी किए हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर भी किए हैं और एक एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हमेशा से रहा और जो मैंने अपने करियर से सीखा वो ये है कि आपका कैरेक्टर कुछ भी हो, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली हो, अगर आप उसको दिल से निभाते हो एंड इफ़ यू आर ट्रू टू योर कैरेक्टर एंड ऑनेस्टी अगर आप उस कैरेक्टर में रखते हो तो ऑडियंस उसको इवेंचुअली एक्सेप्ट करती है. यहाँ पर प्लस पॉइंट ये था कि इतना अच्छा सेटअप था. कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको जाके एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज्ड और लोग एक्सेप्ट करें उसको उस चीज़ के लिए. बट यहाँ पर मुझे एक तरीके से थाली में सब कुछ इतना बड़ा सेटअप परोस दिया गया. सो इसलिए मुझे लगता है कि आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट. फिर रही बात आपके हार्डवर्क की तो मैंने ऑब्वियसली हार्डवर्क भी बहुत किया क्योंकि मेरे पास प्रेपरेशन करने के लिए टाइम नहीं था, हेजिटेट होने के लिए टाइम नहीं था, कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं था. तो सिर्फ ये था कि मैं सेट पर आऊँ और सीन पढ़ूँ, उसकी बैक स्टोरी समझूँ जितना भी टाइम मिलता है, हर शॉट के बीच में, हर सीन के बीच में जब भी टाइम मिलता है. कुछ पुराने एपिसोड्स की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे एपिसोड्स भी दिए गए थे टू सी बट मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको बैठ कर देख पाऊँ. बट मैंने कुछ स्क्रीन प्ले पढ़ के अंदाज़ा लगाया कि कैरेक्टर ऐसा है और फिर ब्रीफिंग मुझे बहुत अच्छी राजन सर ने और पूरी टीम ने इतनी अच्छी ब्रीफिंग दी थी. प्लस दे वर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, गाइड मी कि ये कैरेक्टर इस तरह का है. अब एग्जैक्टली मैं उस तरह से तो नहीं कर सकता जिस तरह से पुराना एक्टर करता है क्योंकि मुझे अगर लिया है तो ऑब्वियसली कुछ मेरा फ्लेवर भी इम्पॉर्टेंट, हाँ न्यूनेस इम्पॉर्टेंट है, मेरा फ्लेवर इम्पॉर्टेंट है. तो वही मैंने देने की कोशिश की एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट पीपल आर रियली लाइकिंग इट. इनिशियली कुछ लोग थे जो कि पुराने एक्टर्स से जब जुड़े होते हैं तो यू नो थोड़ा टाइम लेते हैं किसी को एक्सेप्ट करने में, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. बट नाउ टचवुड एवरीथिंग इज़ फाइन एंड पीपल आर रियली लविंग इट. एंड मैं उसका क्रेडिट दूंगा राइटिंग को भी क्योंकि इतने अच्छे सीन्स हैं कि आप उनको परफॉर्म करते हो तो
वो ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल कर आता है, सो आई एम हैप्पी. यू नो, आपको अब काफी टाइम हो चुका है इंडस्ट्री में, लेकिन जब ऐसे हालात में आपको शो एक्सेप्ट करना पड़ता है, एज एन एक्टर का ही नर्वसनेस रहता है कि विल इट गो माय वे, विल इट टर्न आउट टू बी अ गुड प्रोजेक्ट फॉर मी, वो एक थोड़ा सा नर्वसनेस आती है ऐसे सिचुएशंस में, या क्या कैसा होता है आपके लिए? जब पहला कॉल आता है ना, तब तो नर्वसनेस आती है जरूर, या जब आपको फर्स्ट टाइम पता चलता है तब नर्वसनेस आती है. लेकिन टचवुड मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे डायरेक्टली नहीं बताया गया था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए. सो फर्स्ट आई मेट राजन सर, आई मेट रोमेश सर जो कि सीरीज डायरेक्टर हैं, आई मेट द क्रिएटिव डायरेक्टर, आई मेट द टीम फर्स्ट. सो उनके साथ एक ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई थी, और उनके साथ ही मुझे पता चल गया था कि ओके ये जो भी प्रोजेक्ट होगा, आई वॉज ऑब्वियसली थिंकिंग दैट इट्स अ न्यू शो, बट आई वॉज हैप्पी दैट यू नो दे आर गुड मेकर्स. नाम तो इतना सुना ही है, नाम में तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई ये रिश्ता की लेगेसी है. ये जो शो है वो लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है, लोग जनरेशंस के नाम याद रखते हैं, हमको हमारी जनरेशंस के नाम भी नहीं याद होते लोगों को, बट ये एक कल्ट शो है, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी, लोग दिल से जुड़े हुए हैं, घर घर में देखते हैं. तो ये सब चीज़ें तो थी, लेकिन जब आप मेकर से उनसे पर्सनली मिलते हो और देखते हो कि वो खुद कितना हार्डवर्क शो में डाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और कितना हम्बली यू नो अपने पूरे इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि ओके आई एम गोइंग इन गुड हैंड्स. तो वो एक कॉन्फिडेंस था, और फिर अपने आप पे भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे मुझसे भी उम्मीद थी कि मैं कर लूँगा. बट कंपैरिजंस कभी प्रेशर डालती है रोहित के ऊपर? नहीं, मेरे पे कंपैरिजंस टू बी ऑनेस्ट कभी प्रेशर नहीं डालती, क्योंकि मैं ऐसे बहुत मैंने सारे शोज़ किए हैं जहाँ पे कहीं पे मैं विलन हूँ, और कहीं पे मैं एंटी हीरो हूँ, कहीं पे दो तीन हीरो हैं, और तो मुझे हमेशा से रहा कि मेरी ऑडियंस मुझे अपनी तरह से पसंद कर ही लेती है, और एक सॉफ्ट कॉर्नर ऑडियंस का मेरे लिए रहता है जी. तो मेरे पे प्रेशर कोई नहीं था, इनफैक्ट आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि सब कुछ अच्छा ही होगा. यू नो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाते हैं. आप लोगों ने जब काम शुरू किया था, हमने जब काम शुरू किया था, सोशल मीडिया का नहीं था, नहीं था, तो सब कुछ हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि हमें टीआरपी से सब पता चलता था. लेकिन अभी हर दिन हर कोई राय देने के लिए तैयार है, कमेंट पास. तो ये एज में जब आप ऐसे सिचुएशन में एंटर करते हैं, आपके लिए कितना ईजी या कितना डिफिकल्ट रहा? क्या आपने भी कॉमेंट्स देखे? थैंकफुली फॉर्चुनेटली आपके लिए काफी पॉजिटिव कॉमेंट्स भी आए, पीपल आर एंजॉइंग इमोशनल सीन्स, आई रेड कॉमेंट्स. बट कुछ फैंस थे जो पिछले एक्टर के साथ जुड़े हुए थे, आई एम श्योर उन्होंने आपको लिखा होगा कुछ. हाउ डू यू टेक, डज इट बॉदर यू, अफेक्ट? नो, इट डज नॉट बॉदर मी, क्योंकि मैं भी शोज़ देखता हूँ, मुझे भी कुछ लोग पसंद होते हैं, और अगर उनको रातों रात वो शो से गायब हो जाए तो मुझे भी ऑब्वियसली दुख होगा, तो मेरा भी इमोशन किसी ना किसी तरह से तो निकलेगा. बट इसके दोनों फ़ायदे नुकसान दोनों हैं. कुछ लोग होते हैं जो अपनी भड़ास भी निकालते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए इंतज़ार भी करते हैं, क्योंकि वी विल गिव यू द टाइम. तो एक तरीके से अच्छा टाइम है जहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पता चल जाता है. सो मुझे जब मैंने शूट स्टार्ट किया इसका, तब तो मुझे उतना मौका मिला ही नहीं था कि मैं देख पाऊँ, बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन द कैरेक्टर, इस कैरेक्टर का क्या ग्राफ होगा और किस तरह से मुझे इसको निभाना है, तो उस चीज़ में बिजी था. और अब जाके जब आपके अंदर कैरेक्टर वो आ गया है, तो अब जाके सब चीज़ें पढ़ता हूँ, तो थैंकफुली ये सारे कॉमेंट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब हर तरह के सीन्स वो लोग देख चुके हैं, रोमांटिक सीन्स भी देख चुके हैं. एक छोटी सी जर्नी बन गई है मेरी भी इस शो के अंदर, तो अब लोग उस तरह से फिर कंपेयर करते हैं, क्योंकि वी सॉ द इमोशनल सीन, ओके वी सॉ द रोमांटिक, ओके कैसे वो स्टैंड ले रहा है, कैसे वो दादी सा की रिस्पेक्ट करता है. तो ओवरऑल अब लोगों ने मुझे अरमान की तरह एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, और इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है. सबसे अच्छी बात कि कैरेक्टर इतना अच्छा है कि जहाँ पर वो अपनी वाइफ के लिए भी स्टैंड ले रहा है, माँ से भी प्यार करता है, छोटे भाई बहनों से भी प्यार करता है. सो आई थिंक इट्स अ ड्रीम कैरेक्टर किसी भी एक्टर को निभाने के लिए, स्पेशली ऑन टीवी. So that's why I say that I'm very fortunate. Yeah. Can I say that you have always been waiting for a character like this and a project like this? Because you know, somewhere I feel, Rohit, that you have a lot of potential. And I also feel that you are little underrated, because जो आप डिजर्व करते थे मुझे लगता है कि अभी तक नहीं मिला था उतना. आपको प्रोजेक्ट्स आपने बहुत डिफरेंट चूज किए, वेदर इट इज यू नो पोरस, या मतलब आपने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी वर्सेटैलिटी दिखाने के लिए. आई विल से दैट यू नो नेगेटिव पॉजिटिव सब किया आपने. लेकिन वो एक होता ना एक एक्टर को, जो जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि भूख होती है कि मेरा काम सब तक पहुंचे, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया आपके, तो आपको वो मतलब उस तरीके उसको कैसे आप देखते हैं? एंड डू इफ आई एम सेइंग दैट यू आर वेटिंग फॉर अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, एम आई राइट? शो की भी अपनी एक किस्मत होती है,
और मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि मैं अच्छा काम करूँ और मेरे काम से किसी को शिकायत ना हो। फिर मैंने हमेशा से सोचा था कि शायद किस्मत है। कितनी बार मैं सोचता था कि क्या मेरा पीक टाइम जा चुका है, क्योंकि मुझे 15-16 साल हो गए हैं, क्या मेरा पीक टाइम अभी आएगा। और फिर मुझे हर बार ये लगता था कि मुझे अपने आप को यू नो अप टू डेट रखना है, अपने आप को ऐसा नहीं करना है कि मैं इतना काम कर लूं कि मैं ओवर एक्सपोज हो जाऊं और फिर फेस वैल्यू ही ख़त्म हो जाए और हर तरह का काम मेरा लोग। इसलिए मैं डिफरेंट इसलिए मैं नेगेटिव भी करता था, पॉजिटिव भी करता था, ग्रे शेड्स भी कर रहा था, ऑफ बीट शोज भी कर रहा था, ताकि मैं मेरे को लोग किसी एक चीज़ से एसोसिएट ना करें और हर चीज़ के लिए यू नो मैं भी ओपन रहूं और लोग भी रहें कि हाँ ये सब कर सकता है। तो मैंने अपने आप को किसी भी बॉक्स में नहीं रखा, मैंने ये कोशिश की कि मैं डिफरेंट तरह का काम करता जाऊं, ताकि मैं भी अपडेटेड रहूं काम से और एक मोनोटोनस स्टाइल नहीं बन जाए आपकी, क्योंकि ये तो यही करता है। और फिर किस्मत में शायद एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो पॉपुलैरिटी काफ़ी बड़ी लिखी थी, इसलिए ये रिश्ता जैसा शो रातों रात मेरी किस्मत में आया। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं सारे एक्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत टूट जाते हैं। बीइंग एन एक्टर इज़ नॉट ईजी, कि आपको एक शो करना, दो शो करना एट ऑल, क्योंकि एक शो करना, दो शो करना, तीन शो करना आसान है, बट सस्टेन करना यहाँ पर, देन योर बिहेवियर ऑल्सो मैटर्स, कि आप इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ यू एक्ट, कि आपका बिहेवियर क्या है, आप लोगों से किस तरह से डील करते हैं, वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो ऑल इन ऑल एक जो सही टाइम पे शायद जो चीज़ लिखी थी वो चीज़ हुई है। बट यू टेल मी रोहित, वेट करेंगे, मुझे जानना है कि देन हाउ डू यू मेंटेन दैट कामनेस और पेशेंस कैसे रखते हो आप, जब आपको पता है कि यू नो यार मेरे में बात तो है लेकिन वो सही प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे आपने कहा कि एक शो नहीं, दो शो नहीं, पता नहीं कौन सा शो आपकी किस्मत में क्या लिख दिया, तो फिर उस समय आप वो पेशेंस कैसे रखते हो कि मेरा वक्त भी आएगा, आई हैव टू जस्ट स्टे काम। वो एक्चुअली आपको खुद पे विश्वास तो रखना ही पड़ता है, मतलब ये तो बेस है। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो लोग आप पे विश्वास कैसे रखेंगे। तो ऐसे भी टाइम थे जहाँ पे मैंने जानबूझ के ब्रेक लिए थे। इनफैक्ट इस शो से पहले ही मैंने जो शो किया था उसके बाद आई डिसाइडेड कि नाउ आई विल टेक अ ब्रेक, क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि उससे जस्ट पहले मैंने एक शो किया था ऑन अदर चैनल, वो भी काफ़ी पॉपुलर शो था, उसके जस्ट बाद मैंने एक और शो साइन कर लिया। देन आई डिसाइडेड कि अभी बैक टू बैक दो शो हो गए हैं एंड आई डोंट वांट पीपल टू लाइक गेट फेड अप विद मी, कि यार अभी यहाँ भी देखा था, अभी यहाँ भी देखा, हाँ। सो आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक, प्रॉपर ब्रेक। सो आई वॉज ऑन अ ब्रेक, मैंने अपने बाल ग्रो किए थे, देन स्ट्रीक्स कराए थे, कि मैं किसी भी डेली सोप में तो फिट ना हूँ। सो आई वॉज स्पेंडिंग टाइम विद माई वाइफ इन उमरगांव, तो वो सब चीज़ें चल रही थी। बट 3 महीने के ब्रेक के बाद सडनली ये चीज़ आई, तो मुझे लगा कि ठीक है, इट इज़ अ न्यू शो, इट विल टेक टाइम, 2-3 महीना स्टार्ट होने में लग जाएगा, अभी लुक टेस्ट होंगे, ट्रायल्स होंगे, सब चीज़ें होंगी, तो 6 मंथ्स विल बी इनफ ब्रेक। बट देन जो किस्मत में लिखा था बॉम्ब फूटा और फूल ही फूल बरस रहे हैं। और ये सब वेट में या जो भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने यू नो करियर के साथ, सेल्फ डाउट होता है? सेल्फ डाउट अब तो नहीं होता। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो मुझे सेल्फ डाउट तो मेरी लाइफ में बहुत ही कम वक्त ऐसा है, बट हाँ ऐसा भी टाइम मुझे याद है, वो मोमेंट्स भी जब मैं मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को देख रहा था, तो और मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था, लग रहा था मुझे एक्चुअली ऐसा कि क्या अब दोबारा से वो सब चीज़ें होंगी जो मैं चाहता हूँ, जो लोग चाहते हैं मुझसे करवाना, वो तो मेरे पास ऑफर्स हमेशा से थे, बट मुझे ये लग रहा था कि क्या ऐसा मौका आएगा जहाँ पर वो काम मुझे करने को मिलेगा जो जैसा काम मैं करना चाहता हूँ। तो वो डाउट डेफिनेटली कभी कभी आते हैं, बट उन थॉट्स को आपको एक्सेप्ट करके उनको निकाल देना पड़ता है। अगर आप उनसे लड़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप अपने आप से नफरत करना शुरू कर दोगे, देन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वो थॉट्स जो मेरे दिमाग में आते हैं मैं उनको आने देता हूँ, और एक टाइम के बाद वो अपने आप चले जाते हैं, मैं अपने रास्ते पर चले जाता हूँ, और फिर उसके बाद अगली सुबह वापस पहले जैसे ही होती है। यू नो बिफोर कंप्लीटिंग दिस, अभीरा के साथ भी जो आपकी केमिस्ट्री है वो धीरे धीरे यू नो अब इतनी लोगों को पसंद आ रही है दैट यू नो हैशटैग्स बन रहे हैं, फैन क्लब्स बन रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? अबीरा के साथ ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री आ रही है, बिकॉज शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, बहुत ही प्रोफेशनल है और दिल से अपना काम करती है, और जब ऐसे एक्टर के साथ में आप काम करते हो तो आपका भी काम इनहेंस हो जाता है। तो जब हम लोग पहला सीन भी हमने करना स्टार्ट किया था तो हम ऑब्वियसली एक दूसरे को जानते नहीं थे। इनफैक्ट मेरे पापा ने मुझे कल परसों ही पूछा कि यार, बिकॉज ही इज़ ऑब्वियसली इज़ नॉट एन एक्टर, सो ही वॉज आस्किंग कि यार हाउ डू यू डू इट,
कि आप किसी से अभी सडनली मिलते हो, आई सी यू इन एवरी शो, यू स्टार्ट वर्किंग एंड देन देयर इज अ केमिस्ट्री एंड हाउ डज इट हैपन. तो मैंने बोला कि वो आपके बिकॉज ही वॉज वंडरिंग बिकॉज ही वॉज आस्किंग ओके दो दो लड़कियाँ हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तू उनको बरसों से जानता है. मैंने बोला पापा वो गिव एंड टेक होता है, इट्स लाइक हाउ द अदर पर्सन इज एक्टिंग एंड देन यू रिएक्टिंग, सो इट्स कोऑर्डिनेशन. तो अबीरा के साथ में इसलिए केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है बिकॉज शी इज अ फिनोमिनल एक्टर. One more thing, you know, there have been reports going on that you have mentioned ki, you know, contract signed kiya gaya. You want to clarify something on that? हाँ, वो एक अजीब सी कंट्रोवर्सी बन गई है क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा, दो आई एम वेरी वेरी स्केप्टिकल अभी किसी चीज़ के बारे में बोलने में, बट वो ऐसा नहीं था. वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इट वाज नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हेन आई वेंट देयर टू मीट देम, सो जो DKP के जो HOP हैं, हेड ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने मुझसे कुछ पॉइंटर्स डिस्कस किए थे कि यू नो ये प्रॉब्लम्स हमारे सेट पर हुई और हम नहीं चाहते कि ये प्रॉब्लम्स दोबारा हों. सो वो कुछ उस तरह की बात थी एंड आई वाज वेरी वर्कड अप क्योंकि जब मैंने शूट स्टार्ट किया तो बैक टू बैक आई वाज शूटिंग, देवर लेट नाइट्स, हम लोग प्रमोशनल सॉन्ग्स शूट कर रहे थे एंड सीन्स बैक टू बैक चल रहे थे, उस बीच में इंटरव्यूज़ भी करने होते हैं. तो जब वो बात मुझसे पूछी गई, इनफैक्ट पूछी नहीं गई, मेरे एक्चुअली मुँह में डाली गई वो बात, उन्होंने जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझे बोला कि ऐसी सब चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि ऐसी सब चीज़ें अब स्टार्ट होने वाली हैं. सो सडनली मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि हाँ, ये बात मुझसे भी की गई है. सो इट्स नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट, आई वॉन्ट टू रियली क्लैरिफाई, एक्चुअली आई वॉज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई दिस, इट इज़ नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट, नोबडी हैज़ इम्पोज्ड एनीथिंग ऑन अस, इट्स जस्ट कि वो एक बात कही गई थी और वो शायद मैं क्योंकि वर्कड अप था तो मैंने उसको उस हंसी मजाक में उस तरह से कह दी कि ओके. मैं बेसिकली कहना चाहता था कि मेरे साथ भी ये इस बारे में जिक्र हुआ था, मैंने भी ये सुना है, इट इज़ नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट टू बी ऑनेस्ट. एनी मैसेज टू फैंस? फैंस को मैं ऑब्वियसली यही मैसेज करना चाहूँगा कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी जिस तरह से आप लोगों ने रिएक्ट किया है और जिस सिचुएशन में मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया वो थोड़ी सी टफ थी, एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, बट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिस तरह से आपने मुझे ओपन आर्म्स के साथ रिसीव किया एंड इतना वार्मली मेरा वेलकम किया. थैंक यू सो मच रोहित, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आपके बारे में जानने का मौका मिला और ज़्यादा, तो थैंक यू सो मच. थैंक यू.